बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फैमिली किचन में। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे, तो चलिए चलते हैं। छोले बनाने के लिए हमने ले लिए ये छोले, 400 ग्राम छोले हैं जो हमने रात भर भिगो दिया। छोले को मैं डाल दूंगी छोले को कुकर में, इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। ये खाने वाला सोडा डाल देंगे, मीठा सोडा है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। 5 से 6 सीटी आने तक छोले को हम उबाल लेंगे। गैस को ऑन कर कुकर को चढ़ा देंगे। 3 से 4 सीटी हम हाई फ्लेम लगा लेंगे, 2 से 3 सीटी मीडियम पे। जब तक हमारा छोले उबल रहा है तब तक हम भटूरे के लिए आटा गूंद लेंगे। भटूरे के लिए 1 कटोरी मैदा ले लिए हैं, 3 चम्मच के करीब सूजी है, सूजी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, 3 सोडा डालेंगे, 1 चुटकी आधा इनू डालेंगे, 1 चम्मच फॉर्चून ऑयल डाल देंगे, 3 चम्मच दही डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंद लेंगे। तो जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा आटे को नरम गूंदेंगे। 1 चम्मच और ऑयल डाल देंगे, फॉर्चून ऑयल, और इस आटे को आधे घंटे के लिए रख देंगे ढक के। छोले हमारा उबल गया है। ये सौंफ है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच के करीब जीरा, 1/2 चम्मच साबुत धनिया, 2 सूखी मिर्च, 1 जावित्री का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च। रोस्ट कर लेंगे इसको और मिक्सर जार में इसको पीस लेंगे। तो मसाला जो है हो गया, बस इतना ही करना है। 2.5 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को हम गर्म होने देंगे। थोड़ा सा जीरा ले लिया है, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची। तेल हमारा गर्म हो गया है, ये मसाले डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, 2 मीडियम साइज का प्याज हमने पीस लिया था वो डाल देते हैं। इसको अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये सबको हम डाल देंगे। एक मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे। 2 चम्मच छोले मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। ये 2 हमने टमाटर पीस लिया, इसको डाल देंगे। अभी मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। इतना ज़्यादा मसाला भूनेगा उतना ही अच्छा बनेगा। मसाला जो है वो भून गया है, तरह से भून लेना है मसाले को अच्छे से। छोले को डाल देंगे जो हमने छोले उबाल कर रखा था। छोले को 2-3 मिनट भून लेंगे। 1/2 गिलास पानी ले ली हूँ, इसमें डाल दूंगी चाय पत्ती 2 चम्मच। इसको उबाल लेंगे हम। चाय पत्ती को हमने उबाल लिया है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट उबालना है। चाय पत्ती के पानी को हम छोले के अंदर डाल देंगे, छान लेंगे इसको। कस्तूरी मेथी है थोड़ा सा 1/2 चम्मच, ये डाल देंगे। ये जो हमने सूखे मसाले पीसे थे वो है, इसको भी डाल देंगे 2 चम्मच के करीब, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम ढक के, 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है छोले को हमारे पकते हुए। ये देखिए छोले हमारा तैयार हो गया है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोले में तड़का लगाना है, तड़के के लिए हमने घी डाल दिया 1 चम्मच, थोड़ा सा हींग डालेंगे, 4 हरी मिर्च, 1 अदरक कटा हुआ, 1 मिनट के लिए।
और ये हमारा टेस्टी टेस्टी छोले बनके तैयार है। तवे के लिए कढ़ाई चढ़ा देंगे। आटा जो है अच्छे से फूल गया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसल लेना है इस आटे को। इस तरह से आटे को मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। अब इसका हम पेड़े बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा के इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। मैं लंबे शेप में बनाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा लंबा करूंगी। इस तरह से गोल शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से बेल लेना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, भटूरे को हम डाल देंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।